अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसे हो आप? हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। आज लंबे उर्से के बाद आपसे मुलाकात हुई। एफआई सुकून नौगांव से मैं आपका टीचर ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम यूनिट थर्ड जो आपका सिलेबस है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए बेटा, लेट्स कंसीडर स्टेटमेंट। लेट्स टेक ए स्टेटमेंट एल एक्स टू फाइव। ये एक स्टेटमेंट है। आप जरा इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, जरा कैसे लिखेंगे इसको? हम इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस फाइव। ओके, लेट्स टेक वन मोर स्टेटमेंट, ट्वाइस अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय थ्री। सो व्हाट कैन, हाउ कैन वी दिस, हाउ कैन वी राइट दिस स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज टू एक्स इंटू थ्री। ओके, लेट्स टेक वन मोर स्टेटमेंट, डिवाइड सम ऑफ टू नंबर्स बाय थ्री। तो यहां पर जो दो नंबर्स है, कौन से नंबर्स है? हमारे लिए अननोन्स, वी डोंट नो व्हाट आर द नंबर्स। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या रखेंगे, कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई थ्री। तो हमने देखा यहां पर हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे। सो यहां पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है एल एक्स टू फाइव, हमने इसको कैसे लिखा? x प्लस फाइव, ट्वाइस अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज टू एक्स इंटू थ्री, डिवाइड सम ऑफ टू नंबर्स बाई थ्री, सो वी राइट x प्लस फाइव बाई थ्री। इन तीनों स्टेटमेंट्स में आपने देखा वी गेट एन एक्सप्रेशन, वी गेट एन एक्सप्रेशन। दीज एक्सप्रेशन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक expression. So then what is an algebraic expression? So you can say that algebraic expression is a mathematical statement. Algebraic expression is a mathematical statement. It is a mathematical statement. लेकिन इस statement में क्या होता है? In this statement it comprises of some constants एंड वेरिएबल्स। इसमें कॉन्स्टेंट होते हैं, इसमें वेरिएबल होते हैं। जैसे पहले केस में आपने देखा एड थ्री टू सम नंबर एक्स, आपने देखा एक्स प्लस थ्री। यहां पर ये जो एक्स है इसका वैल्यू आपको मालूम नहीं, यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और दिस एक्स इट कैन चेंज इट्स वैल्यू, इसका ये कोई इट कैन टेक एनी वैल्यू। सो द क्वांटिटी विच कैन टेक एनी वैल्यूएबल वैल्यू और विच चेंज इट्स वैल्यू इट इज कॉल्ड वेरिएबल। और ये जो थ्री है, थ्री विल रिमेन ऑलवेज थ्री, थ्री कभी फोर नहीं बनेगा, हमेशा थ्री रहेगा, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। और ये जो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट है, दीज आर ज्वाइंट टूगेदर बाय मैथमेटिकल साइन प्लस। सो दिस एक्स प्लस थ्री इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज इट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट अ वेरिएबल, इट कंसिस्ट कॉन्स्टेंट, एंड दिस वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट आर ज्वाइंट टूगेदर बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस। ओके, सिमिलरली वी कैन टेक वन मोर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई। देखिए इट इज सम मैथमेटिकल स्टेटमेंट,
इसमें क्या है, अननोन क्वांटिटीज है, एक्स और वाई अननोन्स है, यहां पर है एक्स और वाई अननोन्स है, एंड जो फाइव और थ्री दे आर कॉन्स्टेंट्स, सो दीज टू दीज यहां पर जो अननोन्स है दे आर ज्वाइंड टूगेदर बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, एंड हेयर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस, सो दिस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेन्स सम अननोन वेरिएबल्स और सम अननोन क्वांटिटीज कॉल्ड वेरिएबल्स एंड सम कॉन्स्टेंट्स ज्वाइंड टूगेदर बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीपल, यहां पर मल्टीप्लीकेशन से इनको ज्वाइन किया गया है, यहां पर माइनस से इनको ज्वाइन किया गया है, सच ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. So we say that an algebraic expression is a mathematical statement. Algebraic expression is a mathematical statement that comprises of constants. इसमें constant involve होते हैं. It comprises some variables. इसमें variables भी होते हैं. And these constants, variables, these are connected together by mathematical operations. ये आपस में जुड़े हुए होते हैं. किनसे? Mathematical operations से. Mathematical operations आपको पता है चार है. प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, सो दीज कैन बी ज्वाइंड टुगेदर बाय प्लस और माइनस और मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, सच ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स. नाउ फॉर एग्जांपल 4xy प्लस 5 इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना. अब बेटा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें एक टर्म भी हो सकती है, इट कैन कंटेन टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स और मेनी टर्म, ठीक है. अब अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म, सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोमियल, binomial, trinomial, etc. Okay? अगर किसी algebraic expression में एक ही term, जैसे for example, take this, x, this is an algebraic expression, इसमें एक ही term है, ठीक है ना, और you can write 3x square, इसमें एक ही term है, you can write 9y, इसमें एक ही टर्म है, तो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक एक ही टर्म, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मोनोमियल. सो मोनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म. इसी तरह बाइनोमियल, अब अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म होंगे, फॉर एग्जाम्पल आई राइट एक्स प्लस वाई, इसमें दो टर्म है, so this is a binomial. I can write 7 minus y, it is an algebraic expression, it has two terms, so it is a binomial. Okay, I can write y plus 8, it contains two terms, so it is a binomial. Isi tarah algebraic expression mein teen terms ho sakti hai, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें तीन टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल है. आई कैन राइट x प्लस थ्री वाई प्लस फाइव जेड, इसमें तीन टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल. आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस x प्लस फाइव, इसमें तीन टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल. तो आप याद रखोगे जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है वो मोनोमियल होती है, जिसमें दो टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल होती है, और जिसमें तीन टर्म्स होती है उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, इसी तरह यू कैन हैव एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद फोर टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद फाइव टर्म्स एंड सो, ठीक है. अब बेटा हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोफिशियंट ऑफ ए टर्म. कोफिशियंट ऑफ ए टर्म, अब अगर आप कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ली, फॉर एग्जाम्पल
take an algebraic expression 4x square plus 3y square plus 9z square. This is an algebraic expression. अब जरा देखिए इस algebraic expression में हर एक variable के साथ associate है एक term, एक you can say a real number. यहां पर x square के साथ क्या जुड़ा है 4, यहां y square के साथ जुड़ा है 3 और यहां z square के साथ जुड़ा है 9. This 4, 3 and 9, these are called the coefficients of the respective term. तो फिर इस x square का coefficient 4 है, y square का coefficient 3 है और z square का coefficient 9. So we say that coefficient of an algebraic expression, an algebraic expression, in an algebraic expression a coefficient is the numeric factor of the term. तो algebraic expression में किसी भी term के साथ जो numeric जो number जुड़ा होता है, you can say real number, उसको हम बोलते हैं coefficient. Take one more case, for example minus 5 x square y plus 9 xy square, it is an algebraic expression. यहां पर जो पहली term है 5x square y, इसके साथ जो associate real number है that is minus 5, so minus 5 is the coefficient of this term. और इस term जो 9xy square में जो coefficient है that is 9, so coefficient of x square y is minus 5 and coefficient of xy square is 9. So the definition इसकी जो हम इस तरह पढ़ेंगे, an algebraic expression, in an algebraic expression a coefficient is the numeric factor of a term. ठीक है ना, तो हर एक term का जो numeric factor होता है that is called the coefficient of that term. ठीक है ना. There are some well-known identities जो आपने पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन दोबारा इनको याद रखना है. There are some identities first one is a plus b whole square. ठीक है ना, आपको मालूम है this is equal to a square plus 2ab plus b square. ये कुछ identities है जो आपको याद रखनी है. ठीक है ना, इसी तरह दूसरी है a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. Then is one more identity is a plus b into a minus b equal to a square minus b square. And number next is x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus a b. ये बेटा कुछ identities है जिनको आपने याद रखना है. Now in an algebraic expression we can do any operation. अगर आपके पास दो algebraic expression है या दो से ज्यादा algebraic expression है, उनको हम add कर सकते हैं, उनको हम subtract कर सकते हैं, उनको हम multiply कर सकते हैं या उनको हम divide कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए यह होना जरूरी है कि जो algebraic expressions हो, अगर हम इनमें operations करेंगे, they should be have like terms. We can add only the like terms of an algebraic expression, or we can subtract only the like terms of an algebraic expression. So what are these like terms? Like terms are those terms in an algebra. अगर हमें कोई algebraic expression लेंगे, उसमें like terms वो terms होती है that have the same variable, जिनका variables same हो, raised to the same exponent. ठीक है ना? For example, अगर मैं इस तरह लूँ x square, ठीक है, plus 5x plus 2, एक an algebraic expression. और मैं दूसरे algebraic expression लूँगा
x cube plus 9x square plus 3x plus 7. अब मैं इन दो टर्म्स, इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का सम करना चाहूंगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को मैं ऐड करूंगा एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के साथ. देखिए बेटा, यहां पर जो x है, इस x पर पावर 2 है और इस x पर पावर 3 है, लिहाजा आप इस और इस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को आप ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट लाइक टर्म. ठीक है ना, दे आर नॉट लाइक टर्म. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ऐड करना होगा, हम इस 9x स्क्वायर और x स्क्वायर और 9x स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो इसका पावर है वो 2 है, इसका जो पावर है वो भी 2 है, लिहाजा इन दो को आपस में ऐड कर सकते. ये जो 5x है, इसका जो 5x के साथ जो x का जो पावर है वो 1 है, यहां पर भी x का पावर 1 है, तो लिहाजा हम 5x और 3x को ऐड कर सकते. 5x को हम x क्यूब के साथ ऐड नहीं कर सकते, 5x को 9x स्क्वायर के साथ ऐड नहीं कर सकते, 5x को ऐड कर सकते हैं 3x के साथ. और यहां पर जो 2 है, 2 को हम x क्यूब के साथ ऐड नहीं कर सकते, 2 को हम 9x स्क्वायर के साथ ऐड नहीं कर सकते, 2 को हम 3x के साथ ऐड नहीं कर सकते, 2 को अगर हमें ऐड करना होगा तो हम 7 के साथ ऐड कर सकते. सो वी कैन ऐड और वी कैन सब्ट्रैक्ट ओनली दैट लाइक टर्म. सो लाइक टर्म्स कौन सी हो गई, और दोज टर्म दैट हैव द सेम वेरिएबल्स रेज्ड टू द सेम एक्सपोनेंट्स. ठीक है ना, जैसे मैंने एक और एग्जांपल दूंगा मैं, 3x y स्क्वायर, 3x स्क्वायर yz एंड माइनस 4 x स्क्वायर yz, ये लाइक टर्म्स, क्योंकि यहां पर x का वैल्यू, x का पावर 2 है, यहां पर भी x का पावर 2 है, यहां x y का पावर 1 है, यहां y का पावर 1 है. ठीक है ना, सो दीज आर द लाइक टर्म. इसके बारे में मानिए, अगर यहां पर होता 3x स्क्वायर yz और यहां पर होता 3x क्यूब yz, तब ये लाइक टर्म्स नहीं थी, तब हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे, हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे, हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हाँ, मल्टीप्लाई तो जरूर कर सकते थे, डिविजन कर सकते थे, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते. सो ये आपको ये चीजें याद रखनी होगी. इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज पर जाएंगे. तब तक आप ये वीडियोस देखिए, इनको अच्छी तरह से लर्न करिए. अल्लाह.